हेलो फ्रेंड्स, आज अब हम बालाजी जा रहे हैं। तो आने वाले आगे आते आते जाते जाते जो भी दिखा सकते दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आए हुए हम, चाय चल रही है। अभी किस तरफ है भैया? अभी हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे पे, और ये सेकंड रेस्ट प्लाजा है जो है ना, सेकंड जो सेकंड, हाँ सेकंड रेस्ट प्लाजा उस पे। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ गाड़ी रोक सकते हो, क्योंकि हाईवे पे नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे रेस्ट प्लेस बना रखा है, पेट्रोल पंप भी है डलवाना है तो। हाँ भाई साहब, मज़ा आ गया। तो चाय का मज़ा ले रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं हम मेहंदीपुर बालाजी, क्योंकि नवी नवी गाड़ी ली है तो थोड़ा टूर मारना तो बनता है जब गाड़ी ली है, क्योंकि गाड़ी लेने का मतलब है फिर तो टूर मारो, वो भी लंबे लंबे। यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है कि ऊपर आपको हाईवे पे तो रुकना मना है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो जितने भी घंटे आपको करना है। यहाँ पे कुछ भी, जितने मर्जी घंटे आप बिताओ, कुछ भी करो। ये देखो ये गाड़ी अपनी नवी नवी, तो असली मज़ा तो घूमने का अब आ रहा है। सारे के सारे नाश्ता पानी कर रहे हैं भैया, भाभी, पापा, ईशा, तो अब मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी होगा मैं दिखाता रहूँगा आपको बीच बीच में, ठीक है? फिलहाल के लिए गाड़ी चलाऊँगा। का नाम है होटल टी आर हवेली एंड फास्ट फूड, बिल्कुल मत आना। तो बिल्कुल मत आना इस ढाबे पे। हम तो ये सोच के आए थे कि कुछ अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ बकवास था खाना। तो गाड़ी ने मज़ा दे दिया पूरा पूरा, गाड़ी ने पूरा पूरा मज़ा दे दिया, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। मेरा हुलिया थोड़ा सा ऐसी ख़राब सा हो रहा है, अभी गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ मैं। बट एक बार बताऊँ, मैं वो और जो होटल था मैंने आपको बताया था, उस होटल के बाद मतलब मेन हाईवे के पास आ गए हम, ढूंढते ढूंढते कि कौन सी ढाबा बढ़िया है, कौन सा ढाबा बढ़िया है। तो उसके बाद ये वाला ढाबा बढ़िया लगा और इसका खाना भी अच्छा था। देखो इसमें भी थोड़ी कमी थी एक सब्ज़ी में, बट इसने मान ली और बहुत रीजनेबल प्राइस था। मैं दिखाता हूँ आपको जी। इसका नाम लेते हैं अभी, खाने ऐसे खाना, उसको भी ले लेते हैं नाम। हाँ लिया है, एक मिनट। हाँ उसको भी लेके आता मैं, लेके उसका। हाँ ले आओ, मैं चलते हूँ, कोई नहीं, आओ। हाँ तो देखो, अच्छी चीज़ को प्रमोट करो। ये ढाबा है हाईवे के जस्ट पहले पड़ता है हाईवे के, तो भैया हमारे चले गए हैं ढाबे वाले भैया के पास। तो ये ढाबा है, बढ़िया है, ये भैया मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे बढ़िया खाना मिलता है, यहाँ पे अच्छा लगा हमें खा के। प्राइस है इनका बहुत रीजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप जब भी यहाँ पे जाओ ना, पहले ही बालाजी जाओ तो हार्डली एक्सप्रेस जो है मुंबई एक्सप्रेस वे से हार्डली
7 किलोमीटर आएंगे भैया मिलेंगे, बहुत अच्छा इनका खाना, कोई रीजनल प्राइस है। गुरु नाना में तो ढाबे का नाम देख लो, वेदांत पवित्र भोजनालय। तो ये अच्छा लगा, तो सब खाना खा चुके हैं, फिलहाल जाने की तैयारी है। तो फ्रेंड्स इसी बहाने भैया का एडवर्टीजमेंट कर दी होटल की ढाबे की, तो सही है। भैया हमारे भी आएंगे क्या? तो हमारे भी नहीं आएगा ये रहा। और भैया हाँ फोटो क्यों नहीं आएगी, मेरी सबकी आएगी। जय बालाजी महाराज, ये फोटो हमारे पास थोड़ी आएगी। और बाबू ब्लॉग में निकाल लेंगे हमारा, बस हाईवे की ओर निकलने वाले हैं। हमारा तो ब्लॉग कर रखा है इसने। फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं एक बढ़िया सी जगह, पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवा ली, फुल करवा ली, पेट्रोल भी फुल करा लिया। और यहाँ भैया जी हैं हमारे, इतना बढ़िया नज़ारा भैया, वैसे सही में मज़ा आ गया। आप जब भी आएंगे वापसी में आएंगे ना बालाजी से, हाँ तो आपको सीएनजी भी अवेलेबल है, पेट्रोल भी अवेलेबल है, बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल से मिडल में है, हाँ मिडल में है, बीच में मिडल में है। दिल्ली आते समय सीएनजी है, जाते समय नहीं है, जाते समय आपको बालाजी में मिलेगी। दिल्ली से जाएंगे बालाजी, हाँ आपको सीएनजी नहीं मिलेगी, वापसी आपको सीएनजी पंप अवेलेबल, बिल्कुल कोई दर्शन नहीं होता, खाली होता है। अब यहाँ पहाड़ देख सकते हो आप, यहाँ भाभी आ जाओ, कितना बढ़िया व्यू है, पहाड़ी पहाड़ भैया, कितना ऐसा बढ़िया लग रहा है कसम से, बहुत अच्छा व्यू, नेचुरल व्यू है, नेचुरल व्यू बिल्कुल, सारा नेचुरल है, बहुत अच्छा जो हिल एरिया हिल है। ऐसी प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसी फैमिली ट्रिप हमारा। हाँ